हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुजरत। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं। नाश्ता वगैरह जो है मैंने कर लिया है और रमज़ान आने वाला है, तो उससे पहले एक मेरा बहुत ज़रूरी काम था जो कि आज मैं करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। आज जो है मैं अपना उल्टी तरफ का जो नाक है ना वो सिलवाने के लिए जा रही हूँ। बहुत तशद्दुद वाला काम है, अपने ऊपर जो है ना जुल्म करने वाला काम है, पर क्या करें, मजबूरी है, करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं करवाने जा रही हूँ। इतने साल से मैं इस चीज़ से बच रही थी, पर अम्मी ने कहा अब टाइम आ गया तो अब बेटा जाके सिलवा कर आओ। बहुत ज़्यादा पेन वाला काम है, सच में बहुत ज़्यादा पेन होती है, मुझे सिलवाने के बाद पता लगा। शादी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मैं इसलिए सिलवा रही हूँ, वरना नहीं सिलवाती। पहुँच गए और मैंने अपनी छोटी बहन को कहा था कि पहले तुम सिलवाना, उसके बाद मैं सिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दर्द होता है और मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी जो है उसके निशान लगा रहे हैं कि एग्जैक्ट कहाँ पर उसने सिलाई करवाना है। क्योंकि मुझसे वैसे दर्द बर्दाश्त। अब मेरी बारी थी और मैं इनको बार बार कह रही थी कि प्लीज़ आराम से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। यकीन करें, मुझे पता होता ना इसमें इतनी ज़्यादा पेन होगी मैं कभी भी ना सिलवाती। मुझे लगा था मशीन से करेंगे, पर इन लोगों ने वो थोड़ा टाल मटोल कर दिया। मुझे कहीं और भी जाना चाहिए था, चेक करना चाहिए था, जहाँ से मशीन से करवाएं ना वो ठीक रहता है, क्योंकि ये हाथ वाला काम तो ना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, यकीन करें बहुत ज़्यादा था। इसके आगे की स्टोरी आप सुनेंगे ना तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। यह फाइनल लुक जो मैंने अपने नाक के ऊपर जुर्म करवाया है, उसका रिजल्ट इतनी तारीफ़ की है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कितना प्यारा लग रहा है। पर इसके पीछे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दर्द कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। सिलवाने के बाद मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये टिकटॉक का फिल्टर है इसलिए हंसिएगा मत, और मेरी स्टोरी सुन के तो बिल्कुल भी मत हंसिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फनी है। जब मैं नाक सिलवाने गई ना, मैं थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी नर्वस थी, पर जब मेरी बहन ने सिलवा लिया ना तो मेरा थोड़ा डर कम हो गया। तो बस ये था कि पेन ज़्यादा होगी, पर उसके बाद जब मेरी बारी आई मैंने सिलवाया, तो सिलवाने के फ़ौरन बाद जो है ना मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है ना चाय पी हुई थी। और उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कुछ खाया हुआ है, तो मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत खाया हुआ है। और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था सिवाय एक प्याली चाय के। इस चक्कर में मुझे जो है ना बेहोश होना पड़ा, आधे घंटे के लिए मैं बेहोश हो गई। वो लोग परेशान हो गए कि लड़की को क्या हो गया है, नाक सिलवाने आई थी, इतना मजाक उड़ाया मेरे घर वालों ने भी सब ने। और घर आने के बाद भी जो है ना मैं पूरे 3 घंटे सोई हूँ, उसके बाद जाके मैं नॉर्मल हुई हूँ। और नॉर्मल हो गई थी पर पेन फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा पेनफुल काम है ये। फ्रूट खाने का टाइम है, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को जो है कौन कौन से फ्रूट पसंद हैं। मुझे ये इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर मुझे अभी ज़्यादा ही पसंद आने लग गया है। BTS आर्मी को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ये किसका फेवरेट फ्रूट है। ये हमारे इकलौते वो जो लाडला सा वी है ना हमारा, ये उसका फेवरेट फ्रूट है और उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा जो जिमिन है ना उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आता है, क्योंकि वी को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो भाई हमें भी बहुत पसंद है और हम भी आज से खाएंगे। नजरें हैं 11 और किस किस को आदत है रात में खाना खाने की। मैंने खाना तो खा लिया था, पर जो है चाय जो है रात में मैं 11 बजे लाजमी पीती हूँ, कभी कभार छोड़ती हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था साथ अंडा भी फ्राई कर लूँ, तो यहाँ पे मैं अंडा फ्राई करके चाय के साथ जो है बड़े मज़े से थोड़ा मोबाइल चलाते हुए खाऊंगी। एक तरफ अंडा बन रहा है और दूसरी तरफ बन रही है चाय। और चाय जो है मैंने चाय में चीनी बिल्कुल अभी छोड़ी हुई है कुछ टाइम से, मैं जो है गुड़ वाली चाय इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ की चाय इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है मैं बता नहीं सकती। मैं फ़ैन हूँ, मतलब अगर कोई मुझे अपने घर बुलाए तो वो गुड़ वाली चाय पिलाए तो बस मैं तारीफ़ों के पुल बांध दूँगी। रमज़ान आने वाला है, जिसने अच्छी अच्छी नीयतें नहीं की हैं वो कर ले। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। एक छोटी सी अपडेट थी मेरे नाक सिलने की, तो वो मैंने आपको बतानी थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।